किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर पिज्जा पराठा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये और घर पे आसानी से बन सकती है। इसमें मैंने जो कुछ वेजेस लिए हैं वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से लिए हैं, तो आपके भी घर पे जो भी वेजेस अवेलेबिलिटी है वो आप उसमें डाल सकते हो। तो इसमें पनीर एज अ मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो तो मैंने डाला ही है, इसलिए इसका नाम पनीर पिज्ज़ा पराठा है। बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी और हेल्दी रेसिपी है। पिज़्ज़ा तो हम बाहर खाते ही है, बट जो घर का पिज़्ज़ा होता है उसका जो टेस्ट होता है दैट इज़ डिफरेंट। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक यू सो मच एंड लाइक माई रेसिपी। थैंक यू। पनीर पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमने घी लिया है, पानी एक कप जितना लिया है उसको आवश्यकता अनुसार ही हम यूज़ करेंगे, सॉल्ट, पनीर क्रम, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला, ऑरिगैनो, ऑयल हाफ टेबल स्पून, चीज़ क्यूब, आटा, व्हीट फ्लार, उसको मैंने एक कप लिया है, 3/4 कप मैदा, चॉप्ड कैरेट, स्वीट कॉर्न, चॉप्ड अनियन एंड चॉप्ड शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं आटा डालूंगी, ये 1 कप जितना आटा है, मैदा, सॉल्ट, ऑयल। अब पहले हम इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। पहले मैंने 1/4 जितना पानी डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है हमें आटा, रोटी के आटे जैसा भी आप रख सकते हो। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है और अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे, तो इसको 10 मिनट तक ढक के रखना है हमें। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट बाद हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो हमारी लोई बनी है ये, इससे लगभग 4 हमारे पराठे बनेंगे, पिज़्ज़ा पराठा बनेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्लोर को थोड़ा ग्रीस करेंगे। और गैस को भी ऑन करेंगे, तब तक तवा गर्म हो जाएगा। अब हम एक लोई लेंगे, उसको रोटी की तरह बेलेंगे हम। आप चाहे जितनी बड़ी रोटी बेल सकते हो इससे। इसी प्रकार से हम एक और रोटी बेलेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा लगा देंगे, मक्के का भी आटा लगा सकते हो, ये हमने वीट का आटा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, इस पर स्प्रेड करेंगे। इसमें मायोनीज भी हम ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए मायोनीज को। इसके ऊपर हम चीज ग्रेट करेंगे। चॉप्ड कैरेट्स, कैप्सिकम, आप चाहो तो इसमें रेड एंड येलो कैप्सिकम भी यूज कर सकते हो, अनियंस, स्वीट कॉर्न, ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करेंगे, चिली फ्लेक्स, पनीर, क्रश्ड पनीर,
ऑरिगेनो, ये आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में। पेरी पेरी मसाला, ये भी ऑप्शनल है। और अब इस पर हम फिर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। इट्स अप टू यू, आप कितना चीज़ इसमें यूज़ करना चाहते हो। अब हम दूसरी रोटी से इसको पूरा ढक देंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके कॉर्नर्स को पानी से हम चिपकाएंगे। ये देखिए जो इसके कॉर्नर्स है, उधर पानी आप लगा दीजिए और कॉर्नर्स प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जब इसको फ्राई करेंगे, शेलो फ्राई करेंगे, तब ये निकलेगा नहीं। और अब फोक की सहायता से इसके कॉर्नर्स पूरे अच्छे से दबा दीजिए। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट। तवे को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और ऊपर की तरफ से रख लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा घी डालिए, आप चाहो तो ऑयल भी यूज कर सकते हो। स्प्रेड इट, इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहिए ताकि ये जले ना। स्लो पे ही रखिए ताकि ये जले ना। देखो एकदम मस्त शैलो फ्राई हो रहा है, ये दोनों तरफ से कितना अच्छा कलर आया है, सुनहरा कलर। कि जो कॉर्नर्स है वो आप इस तरह से प्रेस करते रहना, जो साइड का कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। यू कैन मेक सम अदर शेप्स आल्सो इफ यू लाइक। लुक एट दिस, लुकिंग यम, वेरी नाइस। लुक एट पिज्जा पराठा, इट्स रेडी टू सर्व। अब हम इसको कट करेंगे। Just look at this.